राज्य AK-47 किस व्यक्ति ने बनाया, कौन सा व्यक्ति इसको चलाए, कितने व्यक्ति ने इससे मारे गए, कितने अपराध इससे होते हैं, इन सब का जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो के अंत तक अब बने रहे, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कि AK-47 जो राइफल है वह बहुत लोकप्रिय है और सैनिकों के लिए, लेकिन मैं बता देता हूँ कि AK-47 यानी कि जिससे आप उसे 300 से 400 मीटर के रेंज में मार सकते हैं, लेकिन जो कि पार्ट पुर्जा का अगर बात किया जाए, AK-47 के पार्ट पुर्जा बहुत भिन्न प्रकार के होंगे, लेकिन नहीं, इसमें 8 पार्ट पुर्जाओं को मिलाकर बनाया गया है AK-47, जिसको आप कोई अनजान व्यक्ति खोल कर इसे पूर्ण रूप से फेंस से फिट कर सकता है। व्यक्ति आविष्कारक यानी कि AK-47 को जो आविष्कार व्यक्ति किए थे वो भी गोली यानी कि वह भी गोली चलाए होंगे AK-47 से। आप लोग कहेंगे यह बात तो फैक्ट है कि वह भी चलाए होंगे, लेकिन यह बात है कि जो व्यक्ति आविष्कार किए हुए थे वहाँ 1 लाख से अधिक, जैसे कि उनका नाम था मिखाइल क्लासनिको, जो कि वह मिसाइल को आविष्कार किए और उसके बाद 1 लाख गोली चलाने के बाद उनका कान जो है आवाज़ सुनना बंद कर दिया, यानी कि पूर्ण रूप से कहा जाए तो वह बहरे हो चुके हैं 1 लाख गोली चला। यानी कि AK-47 को जो व्यक्ति आविष्कार किए थे मिखाइल क्लासनिको, वह कहते हैं कि मुझे इस गर्व है कि मैंने AK-47 राइफल को खोज किया, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि जो कि AK-47 से अच्छे काम के लिए उपयोग किए जाने के कारण जो कि तालिबान में आतंकवादियों द्वारा सबसे अधिक यानी कि अफगानिस्तान में हुआ था, जो कि बहुत हमले जो कि उसमें बहुत निर्दोष व्यक्तियों ने मारे गए थे, जब से उनको बहुत दुख हो गया AK-47 आविष्कारों। गाइस जो AK-47 राइफल है, लेकिन वह दुनिया में कितना राइफल होगा आप जानकर चौंक जाएंगे कि ओह माय गॉड इतना राइफल है। जी हाँ, लेकिन कितना है आप कोई अनुमान लगा सकते हैं? आप कितना अनुमान लगा रहे हैं पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो आप 4 सेकंड में देख सकते हैं। केवल ओनली वन AK-47 जो राइफल है वह दुनिया में 10 करोड़ अवेलेबल है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा है। बाकी जो राइफल है जिसके मुकाबले AK-47 सबसे अधिक 10 करोड़ है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? 4 सेकंड। क्या आम आदमी आम व्यक्ति एक है जो AK-47 राइफल को क्या रख सकता है? आप लोग कहेंगे कि हाँ कोई कोई व्यक्ति रखते हैं, लेकिन नहीं, वह दूसरा बंदूक रहता है, दूसरा राइफल रहता है, लेकिन AK-47 जो राइफल है वो किसी भी आम व्यक्ति को रखना गैर कानूनी है, उसे नहीं रख सकता, उसे साझा भी हो सकता है। आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि जो संजय दत्त ने AK-47 अपने पास रखने के कारण उसे 5 साल यानी कि उन्हें 5 साल यानी कि इतना फेमस यानी कि AK-47 जो राइफल है इतना फेमस होने के बाद यहाँ लोगों को चलाने में बहुत कठिनाई होता होगा, केवल इसे ट्रेनिंग लेने के बाद ही चलाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे बिना ट्रेनिंग लिए हुए भी आप चला सकते हैं। आपको मैं पूर्ण रूप से बता देता हूँ कि जो बच्चे हैं यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उसे भी अगर आप AK-47 हाथ में धरा दे तो एक सैनिक की तरह यानी कि आर्मी की तरह पूर्ण रूप से चला सकते हैं, इतना आसान होता है। लेकिन जो AK-47 है उसमें कितना शक्ति है कोई छेद यानी कि कोई व्यक्ति को मारने का, उसमें बहुत अधिक शक्ति है। क्या आप उसे दीवार के उस पार खड़े हो जाएंगे तो क्या नहीं मार सकता है? जी हाँ, उसके दीवार के आप उस पार भी अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको छेद कर यानी कि उसे छेद करके उस व्यक्ति को मार सकते हैं। जैसे कि कोई कार है, कार में जो लोहे का चदरा लगाया हुआ रहता है उस चदरे को आर पार करके उस बगल के व्यक्ति को मार सकता है, इतना उसमें छेदन में शक्ति होता है। AK-47 बंदूक है, राइफल है, लेकिन वह सबसे अधिक कहाँ बनता है? आप हम लोग भारत देश में रहते हैं तो क्या सबसे अधिक भारत देश के फैक्ट्री वगैरह में जो सरकार का नियम है उनसे बनता होगा? लेकिन नहीं, सबसे अधिक मात्रा में रूस में बनता है, जो कि भारत में वहाँ से मंगा कर वह रखता है, या नहीं कि भारत है तो भारत में ही बनकर वहाँ पूर्ण रूप से रखा है, रूस से भी भारत मंगाते हैं जो कि सबसे अधिक रूस में बनता है। आप लोग और हम लोग कहते होंगे कि रूस यानी कि केवल रूस में ही AK-47 बनाए जाते होंगे या 1-2 और देशों में, लेकिन नहीं, रूस है वह सबसे अधिक राइफल को बनाता है AK-47 को। यहाँ बात करेक्ट है कि रूस ही बनाता है, लेकिन जो रूस बनाता है AK-47 को उसके अलावा भी जो 30 यानी कि अन्य 30 देश हैं वो भी AK-47 राइफल को बनाते हैं, जो कि सबसे अधिक रूस को बनाता है। AK-47 जो राइफल है उसको बनाने में 30 देश का हाथ है, यानी कि रूस अधिक बनाया, 30 देश भी और अधिक बना रहे, लेकिन 30 देशों में क्या भारत उसमें अवेलेबल नहीं है? जी हाँ है, लेकिन कौन कौन सा और देश हो जो उनके हिट में है यानी कि सबसे अधिक मात्रा में है, जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया, इजराइल हो गया, मिस्र हो गया, नाइजीरिया हो गया, इन सब देशों ने बहुत अधिक मात्रा में बंदूक यानी कि AK-47 बनाते हैं। जो कि कौन सा एक इंग्लिश का शब्द है जिसे आप 5 शब्द में लिख सकते हैं, यानी कि 5 शब्द में लिख दे, अगर 5 शब्दों में से
चार शब्द को आप उसे इंड यानी कि एक शब्द को छोड़कर बाकी चार शब्द को हटा दे तो जो आप पांच शब्द में बोलते थे जो शब्द वह एक ही शब्द में बोल सकते हैं, वह कौन सा है? ऐसे कि क्यों क्यों, तो जैसे उसके लिख सकते हैं क्यू ए बी सी डी हो गया, लेकिन उसे पांच शब्द में लिखिएगा क्यू यू ई, इसे ही कहेंगे क्यू। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।